मैं बाबू सिंह यादव। बाबू सिंह यादव जी, आज यहाँ पर आप नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आए हैं, क्यों आए हैं? मैं यहाँ कहाँ से आए? ये भारत का सबसे पुरातन संघ हो जनपद संभल से मैं आया हूँ। भारत का सबसे पुरातन संघ का इतना विशाल आयोजन हो रहा है, मुझे यहाँ आने में बड़ी खुशी हुई है। और आज समय की मांग है कि सारे बहुजन जो 85% हिंदुस्तान में हैं वो इकट्ठे हों और देश के आज जो संविधान, हमारी आज़ादी, हमारा आरक्षण, हमारी तमाम चीज़ें जो खतरे में हैं उनको सब इकट्ठा होकर के उसको बचाएं, ये मैं इसीलिए यहाँ आया। आप आए कहाँ से अंकल? मैं जनपद संभल उत्तर प्रदेश से आया। अच्छा, ये बताइए 85% संख्या होते हुए भी बहुजन अपनी सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं? बहुजन सरकार नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इकट्ठे नहीं हैं और हमें ऐसा इस तरीके से भ्रमित कर दिया गया है कि मनोवाग्नियों के द्वारा, मैं तो कहूँगा कि ऐसा भ्रमित कर दिया गया है कि हम अपनी ही शक्ति को अभी नहीं समझ पा रहे। जब हम अपनी शक्ति को समझ जाएंगे, 85% तो निश्चित रूप से हमेशा हमेशा के लिए हमारा शासन होगा, पहले था और फिर होगा। आप ये राहुल गांधी जो है जातिगत जनगणना को लेकर जो है इतना ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, जी जी, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना? मैं जाति जनगणना का समर्थन करता हूँ, जाति जनगणना होनी चाहिए जो जिस जाति के साथ, वैसे मैं जातिवाद में मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन जो वर्ग है उनके हिसाब से उनका जो हक है वो अभी भारत में हमको नहीं मिल पा रहा। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं कराना चाह रही है जातिगत जनगणना की? क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी बन रही है। इससे ये पता लग जाएगा इनको कि आज जो 15% लोग हैं वो 85% नौकरियों पर हावी है, और जिस समय ये पता लग जाएगा कि ये इनकी इतनी बड़ी भागीदारी है तो इनको डर लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। सारी सरकारें जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वोट तो है, लेती है बहुजनों का, लेकिन बहुजनों के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, ये जातिगत जनगणना से जो है क्या फायदा होने वाला है, कितना मतलब बहुजनों का फायदा होगा? बाबा साहब ने नारा दिया, काशीराम जी ने नारा दिया, जिसकी जितनी भागी जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये निश्चित रूप से भारत में अब तक नहीं हुआ तो अब होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी को जो है रतन से सम्मानित कर दिया, भारत रतन से, और भी रहे हैं चौधरी चरण सिंह, सबको दे ही दिया है, वो तो बड़े खुश हैं जो है, ओबीसी समाज भी काफी खुश है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी ने बहुत कुछ किया है ओबीसी समाज के लिए भी। नहीं, जहाँ पर लोग बहुत खुश हैं वहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि ये सब जो है सन 24 का चुनाव आ रहा है, ये सब जो लगातार इस तरीके भारत रत्न इतने बड़े पैमाने पर दिए जा रहे हैं कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप कहना चाह रही हैं पॉलिटिकल स्टंट है? ये पॉलिटिकल स्टंट है, निश्चित रूप से पॉलिटिकल स्टंट, जबकि कांशीराम जी का, जबकि हमारे कांशीराम जी तो एक महान संत के रूप में आज उनको सम्मान दिया गया है, बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है, मैं तो उनके लिए भी भारत रत्न की मांग करता हूँ, लेकिन भारत रत्न जो है ये कहीं चुनावी एजेंडा न बन जाए, चुनावी तरीका न बन जाए, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वैसे दिया गया उनको बहुत अच्छी बात है, कर्पूरी साहब को दिया गया, आडवाणी जी को दिया गया, और दूसरे हमारे चौधरी साहब चरण सिंह जी को दिया गया, ठीक है, ये वास्तव में। जयंत चौधरी जी ने कहा है मैं समर्थन दे रहा हूँ बीजेपी को। जयंत चौधरी जी का अब मैं क्या कहूँ, उनके लिए समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस आधार पर समर्थन देंगे। चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया, बहुत पहले से मांग थी उनको दिया जाना चाहिए, लेकिन इस आधार पर चौधरी साहब जो है इधर आ जाएं, ये समर्थन देने लगे, ऐसे मैं इस बात से मेरी समझ में चीज नहीं आती। तो जनता अब क्या समझ रही है इन सब चीज़ों को? जनता का बहुत बड़ा वर्ग इन चीज़ों को समझ रहा है, बहुत बड़ा वर्ग इन चीज़ों को समझ रहा है कि ये सब जो है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार जो है 400 पार, और ये जो 400 पार का आंकड़ा है बिना बहुजनों के संभव नहीं है। संभव नहीं है, तो मोदी जी के खिलाफ है, तो मोदी
देखिए मोदी जी कह रहे हैं वो तो उनका अपना हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जो है अपनी इस तरह की बात कहता है कि हम इतने पार या उतने पार, ये तो 24 बताएगा कि कितने पार। ओबीसी समाज से तो खुद मोदी जी आते हैं, ओबीसी समाज से मोदी जी आते हैं, लेकिन मोदी जी के बारे में मैं कहूँ कि वो क्या कहा जाए, किस समाज से आते हैं, किस समाज से आते पता नहीं। नहीं नहीं, मोदी जी है गुजरात में वो जो है ओबीसी समाज से ही आते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये जो दूसरे प्रकार का समाज है वो मैं उनको क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो कह दूंगा तो फिर कहीं गड़बड़। राम मंदिर से तो आप भी खुश होंगे जी, राम मंदिर बना है तो आप खुश होंगे। राम मंदिर या कृष्ण मंदिर या ये इस तरह के मंदिर जो है ये आस्था के प्रश्न है, और बने और बन जाए कोई समाज का कल्याण, इस तरह की कोई चीज नहीं है कि राम मंदिर से खुश है, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने और तमाम बने। अभी जब देश विकास भी काफी हुआ, हाईवे कितना बन गया है, हॉस्पिटल बन गए हैं। जी 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 हाँ, अयोध्या के विकास, अयोध्या जो एक नई बार अयोध्या गया तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि कोई मामूली सा कस्बा टाइप का है। अब हम अयोध्या को देखें तो अब वो तो बहुत बहुत हाई लाइफ सिटी, हाई क्लास सिटी। मोदी जी की सरकार में हुआ ना ये, मोदी जी की सरकार की बात नहीं है, ये तो हर विकास का जो काम है वो हर सरकार में होगा, हर सरकार में होगा, ऐसी कोई, और हर सरकार में हुआ है, कहीं लखनऊ हुआ तो कहीं नोएडा, वो अलग अलग चीजें हैं। अब अयोध्या में हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से, खासतौर पर बहुजनों से? बहुजनों से मैं कहना चाहूँगा कि वो इकट्ठा हों और अपनी ताकत को समझें, और इस चुनाव में भी बहुजन अगर इकट्ठा हो जाएं तो शासन उनका होगा, राज उनका होगा, और आज नहीं होंगे तो फिर कभी न कभी तो होना ही पड़ेगा उनको अपने। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी आपकी होगी। हमारे वीपी गौतम साहब, आपका नाम? वेद प्रकाश गौतम कहते हैं। वेद प्रकाश गौतम जी, आप लगातार कह रहे हैं कि बाबा साहब ने ये कहा था, वो कहा था, कुछ हमारी जनता को भी बताइए ताकि जनता भी समझ सके जो आजकल का माहौल चल रहा है उसके विषय में। देखिए, बाबा साहब का सपना था, दलितों और पिछड़ों के लिए आह्वान किया था कि 21वीं सदी आपकी होगी, लेकिन हमारे जो दलित समाज के नेता हैं वो बेकाबू हो गए हैं, जबकि कांशीराम जी ने कहा था कि हम बिकाऊ नहीं टिकाऊ समाज बनाना चाहते हैं, इसलिए सब गड़बड़ हो गया है। बाबा साहब का जो योगदान रहा है वो महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा रहा है जी, ठीक है, वो चाहे सामान्य वर्ग की महिला हो, चाहे बहुजन समाज की हो, चाहे पिछड़ी समाज की हो जी, तो आप जो है महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं, क्या महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करने वाले हैं, जो आपकी ये बहुजन समाज संस्था है, संगठन है, वो क्या करने वाली है जिससे महिलाओं का उत्थान है? बाबा साहब का सपना ही नहीं, बाबा साहब ने महिला कोड बिल पास कराया था जिसमें समान अधिकार, हाँ समान अधिकार महिलाओं को दिए गए थे। उससे पहले महिलाओं को तबला बना करके रखते थे लोग, नौकरानी बना कर रखते थे, सती प्रथा थी, ये तमाम सारे आडंबरों में फंसा रखा था हैं, तो इसलिए ये बाबा साहब की देन है कि आज किसी भी वर्ग की महिला हो वो आज़ादी के रूप में है। आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना श्री बाबा साहब की देन है। तमाम महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि वो आगे आए, खाली यहाँ चार दीवारी में, हाँ हाँ, जैसे लोगों ने अपने चूल्हे चाकी तक सीमित रखा है उसे हटें और वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करें, साथ साथ उनका अपना अधिकार जो 50% दिया गया है, आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान हो। ठीक, कोई सिद्धपुरुष, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई संगठन, कोई राजनेता, कोई पार्टी, कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री, आपका जब तक कुछ नहीं करना है, जब तक आप अपना मन शुद्ध नहीं करने गए, मन चंगा नहीं करने गए, मन पवित्र नहीं करने गए, मन निर्मल नहीं करने गए, ये तथा भगवान को भूलना कहा है, विपश्यना अंतर दर्शन आना मन शुद्ध होती है, रघुनाथ जी महाराज ने कहा है, सांसों का सुमरण कर पाना।